जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों अगर आप मेडिकल शॉप ओपन करना चाहते हैं या मेडिकल शॉप ओपन करके अगर आप ड्रग सप्लाई या ड्रग सेलिंग का काम करना चाहते हैं, दवाइयों को बेचने का अगर आप काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ड्रग सेलिंग लाइसेंस या मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेना होता है। मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेने के लिए कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं जिनको फुलफिल होना बहुत ही जरूरी होता है। भारत में मेडिकल लाइसेंस या मेडिकल स्टोर का बिजनेस मूलतः चार प्रकार से किया जाता है, जिसमें से सबसे पहला होता है टाउन स्पेसिफिक फार्मेसी, दूसरा होता है हॉस्पिटल स्पेसिफिक फार्मेसी, तीसरा होता है स्टैंड अलोन फार्मेसी और चौथा होता है चेन फार्मेसी। ये चार प्रकार से मेडिकल का बिजनेस भारत में मूलतः किया जाता है। अगर हम इसके थोड़ा सा डीपली जाने की कोशिश करें, अगर इसको ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहला जो होता है टाउन स्पेसिफिक फार्मेसी, तो इसमें क्या होता है कि ऐसा मेडिकल स्टोर या ऐसा कोई मेडिकल शॉप जो कि उस किसी एक कस्बे में एक टाउन में ओपन किया गया हो और वो उस इलाके के रहने वालों के लिए दवाइयों की सुविधा उपलब्ध कराता हो, तो इसे टाउन फार्मेसी के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा होता है हॉस्पिटल फार्मेसी। ऐसे मेडिकल स्टोर आपने देखे होंगे, कहीं भी आप किसी डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट के लिए अगर जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा उस डॉक्टर के पास एक खुद की मेडिकल शॉप होती है या फिर किसी दूसरे के नाम पर भले ही वो चल रही हो, तो वहां पर जो ऐसे मेडिकल स्टोर्स होते हैं ये हॉस्पिटल स्पेसिफिक फार्मेसी कहलाते हैं। तीसरा होता है टाउन स्पेसिफिक हो गया, हॉस्पिटल स्पेसिफिक हो गया, अब इसके बाद बचता है स्टैंड अलोन। तो आपने देखे होंगे अपने आसपास घरों में या फिर गलियों में जो मेडिकल स्टोर खुले हुए होते हैं वो कहलाते हैं स्टैंड अलोन फार्मेसी, जो कि बनाए जाते हैं खुद के लाइसेंस से या किसी भी आदमी को ऐसी दवाइयों से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और चौथा होता है चेन फार्मेसी। ऐसे फार्मेसीज होते हैं, ऐसे मेडिकल स्टोर होते हैं जो कि बड़ी बड़ी जो फार्मा प्रोवाइडर कंपनी जो होती है, फार्मास्यूटिकल जो कंपनी होती है, जैसे कि सिप्ला हो गया, संजीवनी हो गया, तो इनकी जो फ्रेंचाइजी लेकर मेडिकल शॉप चलाते हैं, ऐसी चीजों को कहा जाता है चेन फार्मेसी। इनमें से मूलतः दो प्रकार के लाइसेंस बनाए जाते हैं। पहला तो होता है नॉर्मल लाइसेंस जो कि डिस्ट्रीब्यूटर टाइप में होता है, जिसे आप अपने मेडिकल शॉप पे रखते हैं और उससे फार्मा सेलिंग का काम करते हैं। दूसरा होता है होलसेल का बिजनेस, जो मेडिकल में होलसेल का काम करते हैं, जो दवाइयों को होलसेल में बेचने का काम करते हैं वो लाइसेंस। इन लाइसेंस को बनवाने के लिए आपके पास एक डिग्री होना जरूरी है जो कि फार्मासिस्ट की डिग्री होती है। फार्मासिस्ट में आपके पास लो लेवल में डी फार्मेसी, इसके बाद बी फार्मेसी और एम फार्मेसी, तीनों में से कोई एक होना चाहिए या फिर इसके हाई लेवल की डिग्री आपके पास होना चाहिए मेडिकल के फील्ड की, तो ही आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं या फिर मेडिकल का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो पे मेडिकल लाइसेंस के लिए कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं, इसका फॉर्म कहाँ से फिल करते हैं, चालान कहाँ से फिल करते हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं और एफिडेविट कैसे बनाना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू, प्रॉपर्टी रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, रीगल एडवाइस और जनरल पर्पज से थिंक। किसी प्रकार के लाइसेंस बनवाने के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे चैनल पर ऐसे वीडियोज आते रहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उसका इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल जाएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक देखते हैं कि मेडिकल लाइसेंस के लिए या फार्मा सेलिंग के लिए या दवाइयों को बेचने का लाइसेंस कैसे बनवाना है। ड्रग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको किसी भी स्टेट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, अगर यूपी से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो आपको उस स्टेट की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर की साइट पे जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप यूपी ड्रग लाइसेंस की साइट पर जाएंगे, यूपी फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार ड्रग की साइट्स पर जाएंगे, अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की साइट पर आएंगे। अगर आपको नहीं पता है, जैसे आपको मान लीजिए छत्तीसगढ़ का बनाना है मेडिकल लाइसेंस, तो यहाँ पर आप सिंपल टाइप करेंगे CG ड्रग लाइसेंस, इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, ये फर्स्ट वेबसाइट आएगी फूड एंड ड्रग लाइसेंस छत्तीसगढ़, इस पर आपको क्लिक करना है। यानी कि आपको ड्रग लाइसेंस बनवाने के लिए उस स्टेट की फूड एंड ड्रग की साइट पर जाना होगा।
तो जैसे कि मैं यहाँ मध्य प्रदेश के साइट पर आ चुका हूँ, यहाँ से मध्य प्रदेश में आपको फूड एंड ड्रग का लगभग लगभग हर स्टेट में सेम प्रोसेस होता है। तो चलिए मैं मध्य प्रदेश का करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मध्य प्रदेश की साइट पर हम आ चुके हैं, fdaMP.MPOnline.gov.in। इस पर आप आएंगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा ड्रग सेल लाइसेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ नीचे आप आ जाएंगे, यहाँ पर ड्रग सेल लाइसेंस के रिलेटेड यूज़र मैनुअल, फॉर्मेट्स वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले अपन यूज़र मैनुअल में देखें तो हाउ टू अप्लाई फॉर ड्रग सेल लाइसेंस, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा। फीस स्ट्रक्चर के बारे में, हाउ टू डिजिटल साइन ऑफ योर एप्लीकेशन, सारा यूज़र मैनुअल यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं, तो यहाँ पर लिस्ट दी गई है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ड्रग सेल लाइसेंस, अप्रूवल प्रोसेस दिया गया है, और लोक सेवा गारंटी एक्ट के अंतर्गत जो बनाया जाता है वो भी एक्ट दिया गया है। इसके बाद जो फॉर्मेट्स लगते हैं वो सारे फॉर्मेट भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एप्लीकेंट डिक्लेरेशन ग्रांट, अगर आपको अप्लाई करने में जब डिक्लेरेशन लगता है उसे आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद एफिडेविट जो लगता है वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मैप वगैरह जो दुकान का लगता है और प्रेमिसेस वगैरह लगती हैं वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कुल मिला के यहाँ सारे फॉर्म्स दिए गए हैं। इसी प्रकार से यूज़र मैनुअल दिया है कैसे आपको अप्लाई करना है, तो हाउ टू अप्लाई फॉर ड्रग सेल लाइसेंस, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये PDF आपके सामने आएगी। यहाँ पर कंप्लीट डेमो बताया गया है आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे डिजिटल साइन करना है, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस इसमें बताया गया है। नया लाइसेंस अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस का एक टैब दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेशन ओपन होगा। यहाँ पर आपको ड्रग लाइसेंस का टाइप सबसे पहले सेलेक्ट करना है, रिटेल सेल करना है या फिर रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। तो जैसे यहाँ पर रिटेल सेल ड्रग लाइसेंस बनवाना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपको रिटेल और होल सेल दोनों बनवाना है तो रिटेल एंड होल सेल दोनों पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आपको फॉर्म 20, फॉर्म 21, फॉर्म 20B और इस पर सारे फॉर्म्स आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। जैसे यहाँ पर ये सारे फॉर्म आपको दिख रहे हैं, इन्हें सबको चेकबॉक्स करेंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शॉप फर्म, तो यहाँ पर आप प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप में या प्राइवेट करना चाहते हैं। जैसे प्रोप्राइटरशिप के हम करना चाहते हैं तो प्रोप्राइटर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको दुकान का नाम क्या रखना है या शॉप का, फर्म का क्या नाम रखना है वो आप यहाँ फिल करेंगे। स्टेटस ऑफ प्रीमिसेस में आप रेंट में लेना चाहते हैं, लीज पे दुकान लेना चाहते हैं या सेल्फ की दुकान है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर आप रेंट लेना चाहते हैं तो रेंटल एग्रीमेंट भी आपको यहाँ पर देना होगा, यहाँ पर सेल्फ ऑन क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लॉट नंबर वगैरह के इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सब कुछ आप यहाँ फिल करेंगे। कितने स्क्वायर मीटर में आपका दुकान है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। आईडी ऑफ लाइसेंसी की क्या है, आपकी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आपको देना होगा। यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है तो आप अदर सिलेक्ट करके आधार कार्ड फिल कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेंट की डिटेल आपको फिल करनी है, जैसे एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम, इसके बाद लास्ट नेम, इसके बाद यहाँ पर फादर फर्स्ट नेम, फादर लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको भरना है। एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देना है, देन यहाँ पर परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस भरना है। अब आपको यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन फिल करना है। क्वालिफिकेशन में जैसे मैंने पहले ही बताया था कि बी फार्मा, डी फार्मा या एम फार्मा या फिर इससे आगे की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद कंप्लीट पर्सन डिटेल, इफ़ रजिस्टर फार्मासिस्ट, अगर आप फार्मासिस्ट को रजिस्टर करना चाहते हैं, रजिस्टर्ड है तो उसका यहाँ पर आपको डिटेल फिल करना है। उसका आइडेंटिटी कार्ड वगैरह यहाँ पर आप फिल करेंगे, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है नेम ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड, जिस प्रकार की आप दवाई बेचना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमारे केस में हमने ये तीनों सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पे आपको चेकबॉक्स करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद एक टेम्परेरली एप्लीकेशन नंबर आपके सामने आ जाता है। नेक्स्ट इंटरफेस ये डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का ओपन होता है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है, जैसे देख सकते हैं अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगर एप्लीकेंट और फार्मासिस्ट दोनों अलग अलग हैं, अगर आपने कोई फार्मासिस्ट अपॉइंट किया हुआ है अपनी मेडिकल के लिए, तब आपको अपॉइंटमेंट लेटर उसका देना होगा फार्मासिस्ट का। लेकिन अगर एप्लीकेंट और फार्मासिस्ट एक ही हैं तब अपॉइंटमेंट लेटर की ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद ब्लूप्रिंट ऑफ शॉप और फर्म प्रीमिसेस, जैसे कि आपके पास दुकान है तो उसका ब्लूप्रिंट आपको देना है। डिक्लेरेशन फॉर्मेट जो कि मैंने आपको दिखाया था उस वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन रिगार्डिंग पर्सनल सेल्स एंड स्टॉक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आइडेंटिटी प्रूफ, फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स ऑफ शॉप। इसके बाद परचेस बिल ऑफ रेफ्रिजरेटर जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपकी दुकान में रेफ्रिजरेटर और एसी होना ही चाहिए। इसके बाद क्वालिफिकेशन मार्कशीट, एसएससी, एचएससी और ग्रेजुएशन। इसके बाद रेसिडेंशियल प्रूफ और आपको शेड्यूल एक्स ड्रग स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइडेड लॉकर की, और इसके बाद शॉप फर्म का डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी डीड वगैरह है पार्टनरशिप की वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप PDF या JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं नोट, JPG और PDF फाइल अपलोड्स, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। इसके बाद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अगर डॉक्यूमेंट है तो उन्हें आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद फॉर्म 19 आता है जहाँ पर आपको ये डिक्लेरेशन देना होता है। इसके बाद यहाँ आप अपना नाम फिल करते हैं, यहाँ पर आपका नाम होता है जो आपने वहाँ पर दिया हुआ था। जैसे यहाँ पर हमने डेमो के तौर पर टेस्ट फिल किया है तो सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ आपको सिग्नेचर करने हैं डिजिटल, जिसके लिए यहाँ सिग्नेचर का कॉलम है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ये जो डॉक्यूमेंट है नीचे आपको एक बटन मिलेगा क्लिक हेयर फॉर डिजिटल साइन, इस पर क्लिक करेंगे आपके सिग्नेचर यहाँ पर डिजिटली हो जाएंगे। इसके बाद नीचे आएंगे आपको यहाँ पर ड्रग लाइसेंस का एप्लीकेशन पूरा मिल जाएगा। ड्रग लाइसेंस का ये जो एप्लीकेशन है आपने इस प्रकार से फिल किया हुआ है, आपका ये प्रीव्यू होगा। यहाँ पर जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद नीचे आपको प्रिंट और प्रोसीड टू पे का एक ऑप्शन मिलेगा, अगर आप अपना इसे प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फीस जो है पोर्टल चार्ज की 100 रुपये है, एप्लीकेशन फीस 3500 रुपये है, टोटल फीस 3600 आपको पे करना है। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके आप ये फीस पे कर सकते हैं। फीस पे करने के बाद इस प्रकार से आपकी रिसिप्ट जनरेट होगी जहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी, फीस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होता है, एप्लीकेशन टाइप और यहाँ पर सब कुछ आपका आ जाता है। इसे आपको प्रिंट निकाल लेना है। आपकी रिसिप्ट में आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, इस एप्लीकेशन नंबर का यूज़ करके आप अपना लाइसेंस ट्रेस कर सकते हैं, जिसके लिए इसी पेज पर आएंगे, यहाँ एप्लीकेशन नंबर को एंटर करेंगे और गो पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी स्टेटस होगा आप यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं और डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार आप अपने मेडिकल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। वीडियो में आपने जाना कि आप मेडिकल लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।